हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्साइयस। वत्साइयस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग के बारे में, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भिन्नों का जोड़। ठीक है, भिन्नों का जोड़ हम देखेंगे कि मतलब कि आपको दो भिन्नें दी गई हैं या दो से ज़्यादा भिन्नें दी गई हैं, यानी कि फ्रैक्शन, और उनको आपस में ऐड कर देना है यानी कि जोड़ देना है। तो उसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें भिन्नों के हर यानी कि डिनोमिनेटर समान हों। जैसे एक हमने ले लिया है 1/2 + 3/2। यहाँ पे देखिए अंश दोनों भिन्नों के अलग अलग हैं। पहले भिन्न में अंश है 1 और दूसरे में है 3, लेकिन हर की बात करें तो दोनों में हर 2 है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जब भिन्नों के हर समान हो तो उस केस में हम अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जो आता है वही फाइनल आंसर होता है। जैसे यहाँ पर हर समान है, 2 है और अंश अलग अलग है 1 और 3, तो हम इसको जोड़ देंगे 1 और 3 को, तो हो जाएगा देखिए 1 + 3/2। इसको जोड़ देंगे दोनों अंश को और हर को सेम लिख देंगे, सिंपल, बस मतलब हर को समान रूप से लिख देंगे और अंश को आपस में जोड़ देंगे, तो हो जाएगी 3 × 1 = 4, मतलब इसका आएगा 4/2। लेकिन अगर हमारी जो भिन्न है अभी अगर विभाजित हो जा रही है किसी एक नंबर से ऊपर नीचे, मतलब कि अंश और हर दोनों किसी एक ही नंबर से अगर विभाजित हो जा रहे हैं, तो हम भिन्न को विभाजित कर देते हैं यानी कि काट देते हैं, जिससे कि वो भिन्न सरलतम रूप में हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 4 है, इसका अंश जो है 4 है, हर 2 है, तो ये कट जाएगा किससे, 2 से, 2 × 2 = 4, 2 बार गया, नीचे भी कट जाएगा 2 × 1 = 2, 1 आ जाएगा, 2/1 यानी कि 2 आएगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, एक और लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 5/2 और 4/2। 5/2 तो ठीक है, लेकिन 4/2 का मतलब है 2, क्योंकि 2 × 2 = 4, लेकिन हमने 2 को यहाँ पर भिन्न के रूप में लिख लिया है 4/2। इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, हर दोनों में समान है, 2 है और अंश अलग अलग है, सिंपल जोड़ लेंगे 5 और 4 = 9, 9/2। अब ये विभाजित नहीं हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है अंश और हर किसी एक नंबर से ही, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, जब हमारे अंश के साथ साथ हर भी अलग अलग हो, मतलब कि अभी जो हमने देखा अंश भले अलग अलग थे लेकिन हर समान था, लेकिन अब जो हम देखेंगे भिन्न उसमें हर अलग अलग रहेगा। देखिए
ठीक है। यहाँ पर देखिए भिन्न 3/2 और 5/4, तो यहाँ पर हर देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है, दोनों अलग अलग है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम दोनों हरों का लासापा यानी कि एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, 2 और 4 को एक साथ लिख लिया और सबसे सिंपल नंबर 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए। जब 2 से यहाँ पे 2 में डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा, 2 एक कम 2, और कॉमा लगाइए ये वाला। और 2 से जब 4 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, कट गया। अब आइए आगे चलते हैं। 1 ऑलरेडी आ चुका है, उतार लेंगे, कॉमा लगाएंगे, 2 एक कम 2, एक बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल एलसीएम क्या आएगा यानी कि लासापा, ये आएगा 2 गुणे 2, कौन सा, ये 2 और ये 2, 2 गुणे 2 यानी कि आएगा 4। तो हमारा एलसीएम हो गया 4। अब इसी एलसीएम जो 4 आया है इसी को यहाँ पे रख देंगे हम दोनों हर के जगह पे एक साथ। ठीक है, कैसे देखिए, ठीक है, हमारा ये फाइनल हर है, दोनों भिन्नों को जोड़ने पे जो भिन्न बनेगी उस भिन्न का हर 4 हो जाएगा। अब देखिए अंश क्या होगा, अंश निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस भिन्न में जो 2 है उस 2 से यानी कि पीछे जो हमारे पिछले भिन्न थे, इस भिन्न के हर से इस नए भिन्न के हर में भाग देंगे। यानी कि हमारा आया है 4 और यहाँ पिछला हर था 2, तो 2 से 4 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार गया। अब जितनी बार गया उतनी बार ऊपर वाले नंबर यानी कि अंश से गुणा कर देंगे। ऊपर अंश क्या है, 3, और गुणा किससे करेंगे, 2 दूना 4, 2 बार गया था तो 2 से गुणा कर देंगे। अब बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। सेम यही प्रोसेस अब अगले वाले भिन्न करेंगे, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे भी है 4, तो 4 से जब 4 में भाग करेंगे यानी कि पिछली भिन्न से भिन्न के हर से नए भिन्न जो हम बना रहे हैं उसके हर में भाग देंगे यहाँ से यहाँ में। ठीक है, तो इस 4 से इस 4 में जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 4 एक कम 4। तो अब आया हमारा 1 और ऊपर कितना है, 5, तो 5 में गुणा हो जाएगा 1 से। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 में गुणा होगा 2 से, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना आया 6, बीच में है प्लस, प्लस लगाएंगे, और है अगला 5 गुणे 1 यानी कि 5 एक कम 5, जोड़ लेंगे अब 6 प्लस 5/4 यानी कि 6 5, जोड़ लीजिए 6 5 11 11/4, ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए एक नंबर और लेते हैं, एक फ्रैक्शन उसको जोड़ते हैं, एक क्वेश्चन। अभी हम ले लेते हैं अगला नंबर, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने 7/3 और 5/6। तो यहाँ पे देखिए दोनों में हर अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम 3 और 6 का, कैसे, सेम उसी तरह देख लीजिए। पहले काटेंगे 2 से, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, कॉमा लगाएंगे, 2 3 6, 6 में भाग करेंगे 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6, तो यहाँ 3 उतार लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों 3 3 आ चुका है और कोई भी 2 नहीं कटेगा। अब हम इसलिए अगले नंबर यानी कि 3 काटेंगे,
तीन से भाग कीजिए, तीन में कितनी बार जाएगा, तीन एकन्नम तीन, कॉमा लगाइए, तीन से तीन में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तीन एकन्नम तीन। हमारा एलसीएम कितना आएगा, इसको आपस में गुणा कर लीजिए, दो गुणे तीन यानी कि दो तिया छः, छः आ गया हमारा एलसीएम, यानी कि इसी को बोलते हैं ला सा पा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे तीन और छः का जो तीन और छः जो हर थे इसकी जगह पे नई भिन्न जो बनाएंगे उसमें हमारा हर जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा यानी कि छः। ठीक है, अब इस छः में भाग करेंगे पुरानी वाले भिन्नों के हरों से, तो यहाँ पे क्या है तीन, और तीन से भाग करेंगे छः में कितनी बार जाएगा, तीन दूना छः, दो बार गया, दो आ गया हमारा, तो जो आया भाग करने पे यही ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, यानी कि ऊपर जो है अंश से सात, सात में गुणा करेंगे दो से, तीन दूना छः, दो बार गया, ऊपर सात में गुणा करेंगे दो से। बीच में प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब छः से भाग करेंगे, इस छः में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो इसलिए ऊपर जो है यानी कि अंश, अंश में जितनी बार गया होगा नीचे भाग करने पे उतने से गुणा होगा, तो छः से हमने भाग किया, छः में कितनी बार गया, एक बार, और एक बार गया इसलिए ऊपर वाले में गुणा कराएंगे एक से, तो पाँच गुणे एक। अब सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, सात दूना चौदह, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, और पाँच का गुणा होगा एक से, तो पाँच गुणे एक यानी कि पाँच एकन्नम पाँच, और बटे क्या आएगा नीचे छः। अब इसको जोड़ लीजिए, चौदह और पाँच मिलकर हो गए चौदह पाँच उन्नीस, और नीचे वही बचेगा छः, तो आ जाएगा हमारा आंसर उन्नीस बटे छः। ठीक है, और उन्नीस बटे छः में ना तो उन्नीस ना तो छः, दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आगे अब नहीं विभाजित करेंगे, यही हमारा आंसर हो गया उन्नीस बटे छः। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको भिन्नों का जोड़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसको हम आगे के वीडियोस में क्लियर कर देंगे। ठीक है, कुछ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप उनको क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, और फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ये छः क्वेश्चन हैं, मैंने आपके लिए दिया है होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। सात बटे दो, पाँच बटे दो को ऐड कीजिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है पाँच बटे तीन और सात बटे तीन को जोड़िए, फिर है आठ बटे तीन और नौ बटे पाँच को ऐड कीजिए यानी कि जोड़िए, फिर है चौथा क्वेश्चन पाँच बटे छः और सात बटे आठ। ठीक है, पाँच बटे छः और सात बटे आठ को ऐड कर दीजिए यानी कि जोड़ दीजिए, फिर है सात बटे पाँच में जोड़िए पाँच बटे तीन को, फिर अगला है आठ बटे पाँच में जोड़ दीजिए पाँच बटे छः को। तो जैसे मैंने बताया है सेम उसी तरह आप जोड़ दीजिए, और फाइनल आंसर जो भी आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ये रहा भिन्नों के जोड़, अगले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे भिन्नों के घटाना। ठीक है, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद।